गाइस, रेलवे ग्रुप डी का आज से मैंने क्लास शुरू किया है, जिसमें मैं फिलहाल तो अभी सिलेबस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि रेलवे से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि रेलवे में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने की संभावना है जिनके। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो ये नोटिस अभी आया है कुछ दिन पहले 29 तारीख को। तो यह नोटिस है कि सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके लिए टेस्ट के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो टेस्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सीबीटी टेस्ट होगा उसमें आपका पूछा जाएगा। 90 मिनट आपका एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा, 90 मिनट। और उसमें देख लीजिए कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 120 मिनट टाइम उन लोगों को दिया जाएगा जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन, या फिर हैंडीकैप लोग हैं, उन्हें 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इस 120 मिनट में उन्हें भी 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो ऐसे जनरल जो भी हैं कैंडिडेट, उन सभी के लिए 90 मिनट का ही टाइम रहेगा, मतलब कि 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। तो इसमें जो सिलेबस है, वो सिलेबस पहला मैथमेटिक्स है, जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स का। और उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब इसमें आपका तर्क शक्ति और रीजनिंग से संबंधित आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, जो कि आपका करेंट अफेयर्स है उससे भी 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आइए चलिए अब देखते हैं कि संभावित क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस इससे जो कि कम ग्रुप डी में पूछे जाएंगे वो मैं आपके बीच लाता रहूँगा। तो आज ये पहला क्लास है, इसे शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय रेल। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेल जो है वो एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। क्या है? भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। इसके बाद दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, वो भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, वो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 1893 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किमी, जिनके बीच की दूरी है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वह पहली कौन सी ट्रेन है जिसकी शुरुआत हुई थी और उसका क्या नाम था। तो सबसे पहले जिनकी शुरुआत हुई थी वो ब्लैक ब्यूटी, उस ट्रेन का नाम था, जो कि 16 अप्रैल से 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को शुरू हुई थी। इसके बाद देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, जो कि प्रथम विद्युत रेल था। और इसके बाद डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। यहाँ पर जो विद्युत इंजन, जो विद्युत रेल चलाई गई थी उसमें जो विद्युत इंजन लगा हुआ था वो, उसका नाम डेक्कन क्वीन था। और इसके बाद देखते हैं अगला, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगला है, वो रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे है जो कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। और इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं अगला जो है, देश में पहली मेट्रो रेल जो कि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक, दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को सहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। पहली मेट्रो रेल कहाँ हुई थी शुरुआत, भारत देश में?
हुआ था कोलकाता से दमदम, कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच हुआ था, और दूसरी हुआ था मेट्रो रेल की शुरुआत वो दिल्ली में हुआ था, जो कि शाहदरा से 30 हजारी के बीच में प्रारंभ हुआ था। अगला जो है IRCTC का आशय है, क्या है इसका आशय? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके बाद जो अगला है क्वेश्चन, वो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस एक ऐसा ट्रेन है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है, और जिसके बीच की दूरी है 8286 किलोमीटर। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्थ समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जो कि 1366.33 मिलीमीटर सॉरी मीटर है। और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और 11.215 किलोमीटर है दूरी है। और इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और जो कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है इसके बाद, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण सॉरी भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। इसके बाद भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। और इसके बाद ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये क्वेश्चन, भारत की पहली मोनोरेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। और इसके बाद है कि ये सब जितने क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं और रेलवे में पूछे जाते हैं अक्सर। अगला जो क्वेश्चन है वो, भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, और इसमें है रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो, भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में 17 तारे हैं, जो भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे का जो लोगो है उसमें 17 तारे हैं। इसके बाद है, रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ था, और 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, वह कौन सी ट्रेन है जो सिर्फ महिलाओं के लिए चलती है? तो वो है, ट्रेन का नाम है, जो ट्रेन है वो चलती है चर्च गेट से बोरीवली से तक चलती है। और इसके बाद देखिए अगला जो है क्वेश्चन, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, जो कि तमिल पेराम्बूल है, तमिलनाडु में वो होता पड़ता है, और ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इसके बाद का क्वेश्चन है, रेलवे स्टॉप कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ है स्थित? बड़ौदा में है। और रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा से है, मतलब कि माल का जो किराया लगता है उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है रेलवे को। इसके बाद जो क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 को गठित हुआ था। इसके बाद वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसफ अली थे। और देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, और इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, जो कि दिल्ली से आगरा के बीच चली थी। इसमें तीन क्वेश्चन बन जाते हैं और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है,
वो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस पहली बार कब चलाई गई थी, वो है 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, कोंकण रेल। कोंकण रेल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1998, जो कि परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशी और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किमी है और ये रोहा से मैंगलोर तक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोंकण रेल। कोंकण रेल मुख्यालय पणजी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस जो सर वातानुकूलित रेलगाड़ी की शुरुआत मुंबई और बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। अगला दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वो देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु वेम्बनाड रेल कोच्चि केरल में है, तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है जो कि 66,030 किलोमीटर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वो भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वो समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। इसके बाद ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना। सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भोड़घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार अब तक पूछा भी जा चुका है। और इसके बाद है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। फेरी क्वीन देश का सबसे पुराना भाप इंजन है और इसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं और शयनयान सेकेंड डिब्बे में, जो स्लीपर सेकेंड डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। मतलब जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं जो कि स्लीपर होते हैं, उसमें 72 से 78 बर्थ होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। और रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी। इसके बाद है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को प्रारंभ की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। इसके बाद का अगला क्वेश्चन जो है, वो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार अब तक पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है इसकी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है, जो कि रूस में है। इसके बाद है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। इसके बाद विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन जापान है। सबसे बड़ी रेल सुरंग
सीकन है जो कि जापान में विश्व में अगर पूछा जाता है तो विश्व की सबसे बड़ी रेस रंग सीकन जापान है। इसके बाद विश्व में पहली मेट्रो रेल सबसे पहले लंदन में चलाई गई थी जो कि 10 मई 1963 को चलाई गई थी। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऊपर ये देखिए लिंक दिया हुआ है www.youtube.com/selfguidestudycenter। धन्यवाद।